ये अपना इंडिया का पहाड़ है और वो सामने भी आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है, और जो वो पहाड़ है सामने जो नजर आ रहा है वो भी बांग्लादेश है। ये नदी इंडिया और बांग्लादेश को डिवाइड करती है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये रिवर रेन सीजन में, बारिश के सीजन में आपको कैसी नजर आएगी। सो गाइस, वो आइलैंड है सामने जिस पे हम अभी जाएंगे, तो अभी काफी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि पानी का बहाव है वो हमारी तरफ है। ये हमें बांग्लादेश बॉर्डर तक लेके जाएगा, मैं वो भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपको। बांग्लादेश बॉर्डर का प्राइस बताना भूल गया मैं, सॉरी। तो बोटिंग का जो प्राइस है वो हमें स्टोन्स जो पत्थर होते हैं वो भी सब आपको क्लियर नजर आएगी, इतना क्रिस्टल और क्लियर बॉर्डर है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं योगेंद्र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोलो जर्नी। एक और वीडियो में स्वागत है। सो फाइनली वो चीज़ करने आ गए जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था आपको भी और मुझे भी। तो हम आ चुके हैं देवकी रिवर पे, और देवकी रिवर पे अभी करेंगे वोटिंग। और वोटिंग का चार्ज क्या है और कितने में हमने पड़ा है और कितनी देर वो एक्सप्लोर कराएगा, क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर कराएगा, वो मैं सब आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। और अभी जो उसका मेन पॉइंट था रिवर का, हमने वहाँ से बुक ना करके हमने थोड़ा आगे से बुक किया जो हमें चीपर प्राइस में पड़ गया है काफ़ी अच्छे। तो चलते हैं अभी डोकी रिवर की सैर कराते हैं। और आई थिंक आपने क्लीनेस्ट डोकी तो देखी होगी, लेकिन आज मैं अलग तरीके की डोकी नज़र आएगी मेरी इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले आपने किसी की वीडियो में ऐसी डोकी शायद ही देखी हो। तो लेट्स गो दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी स्कूटी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है और स्कूटी पार्क का कोई चार्ज नहीं है, और ये कुछ मेन रोड है। सो इधर ये BSF का जो पॉइंट था, वो पॉइंट और वो की ब्रिज बोल सकते हैं वो है सामने, और इसके पास जस्ट ये नो पार्किंग का बोर्ड है, यहीं से आप इस यहाँ पे बुक कर सकते हैं। मैं उस भाई का भी फेस दिखाऊंगा, उसका नंबर भी मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप चीपेस्ट रुपीज में बोट राइड बुक कर सकते हैं। सो लेट्स गो, एक बार नीचे चलते हैं और नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये देखिए, ये एक्चुअल डाउकी है अभी, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाराम भाई, कोई एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसी डोकी हमें नजर आएगी? नहीं, एक हम काफी रील्स देख के आए हैं। सो हम जो देख के आए थे यार, वो उससे टोटली डिफरेंट है। हमने सोचा था नीचे पत्थर नजर आएंगे, पर नीचे तो क्या, इसमें तो ऊपर ही कुछ नजर नहीं आ रहा। सो लेट्स गो, एक बार चलते हैं, लेकिन एंजॉय तो करना ही है यार। पानी काफी जगह हमने क्लीन वाटर देख लिया, तो अब इतना फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ भी हम क्लीन वाटर ही देखें। लेट्स गो चलते हैं। 500 में ऐसे पानी में हम वोट कर सकते हैं। और अगर आप 1000 देंगे तो शायद उस टाइम तक क्लीन हो जाए आपका वोट। तो मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, चलो चलते हैं अभी। और ये कुछ स्टेयर बनी है और एक्सप्लोर करते हैं डोकी रिवर को। और ये हमें पूरा 1 घंटा घुमाने वाला है, टाइम नोट करेंगे और उसके हिसाब से फिर अभी हम एक्सप्लोर करेंगे रिवर को। सो नीचे चलते हैं, नीचे मिलते हैं। एक बार ऊपर से स्टेयर देख लो, एक बार ऊपर से स्टेयर देखो, कितनी रिस्की स्टेयर है जो अभी हम करके आए हैं। पानी भी उसी स्टेयर पे से आ रहे हैं और काफी चिकनी हो चुकी है मिट्टी। हेलो ब्रदर। हेलो भाई, कैसे हो? ये साफ कब तक हो जाएगी डोगी? कितना टाइम लग जाएगा साफ होने में? नवम्बर तक। सो नवंबर तक वेट करना होगा आपको, जब ही आपको एक क्लीन वाटर मिलेगा। अदरवाइज अभी रेनी सीजन, हमने खुद डिसाइड किया था इस टाइम घूमने का, तो पानी ऐसा ही मिलेगा दोस्तों। तो ये अपने भाई हैं जो हमें वोटिंग कराएंगे। भाई लाइफ जैकेट वगैरह? हाँ मिलेगा। मिलेगा ना? हाँ। फिर ठीक है, हम अभी पानी में बोट में सफाई करेगा ना। हाँ हाँ, आप सफाई, कोई बात नहीं, आप सफाई कीजिए भैया, हम देख तो सकते हैं कैसे सफाई करता है। फिर ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो पानी भर जाता है, छेद तो नहीं है ना बोट में? हाँ ब्लू वाला। हाँ कोई बात नहीं, छेद तो नहीं है ना बोट में? बीच में नहाने की जगह आएगी। सो अगेन ये ब्लू वाला बोट होने वाला है हमारा। अभी रात को बारिश हुई थी तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है इसको क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के बाद ये हमें लाइफ जैकेट देंगे, लाइफ जैकेट लेके और हम इस रिवर में जब इसको एक्सप्लोर करेंगे। देखिए अभी पानी कैसा हो रखा मटमैला। सो रियल में ये डाउकी रिवर कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा, अमेजिंग यार।
लेट्स गो, अभी चलेंगे। वो देखिए फिशिंग कर रहे हैं रिवर में, अभी चलेंगे और जब बोटिंग स्टार्ट होती है उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। तो फाइनली गाइस बोट स्टार्ट हो चुकी है हमारी और चल चुके हम। ये देखिए डोकी रिवर वाटर और ये सामने डोकी ब्रिज। डोकी ब्रिज बोलते हैं ना भैया इसको। वाओ ये एक छोटा सा वाटरफॉल बना हुआ है। अभी जो हमने राइड स्टार्ट किया है वो 8:33 पे 8:33 पे स्टार्ट किया, जो कि 9:33 पे ख़त्म होएगी हमारी राइड और ये हमें बांग्लादेश बॉर्डर तक लेके जाएगा। मैं वो भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपको बांग्लादेश बॉर्डर रिवर के थ्रू कैसा है और कैसा वहाँ का माहौल है। वहाँ जाके थोड़ी देर रुकेंगे भी हम। और जो मैं वोटिंग का प्राइस बताना भूल गया मैं सॉरी, तो वोटिंग का जो प्राइस है वो हमें मिला है 500 रुपीज़ में 1 आवर के लिए। तो मैं इन भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूंगा वीडियो में, तो आप इनको डायरेक्टली कॉल करके इनके पास आ सकते हैं जब भी आप देवकी आ रहे हैं, तो ये आपको चीपेस्ट प्राइस में ही आपको करा देंगे। तो ये देखिए सामने। सो गाइस वो आइलैंड है सामने जिस पे हम अभी जाएंगे। तो अभी काफी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि पानी का बहाव है वो हमारी तरफ है और हम अपोजिट साइड जा रहे हैं बोट को लेके। जाते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस साइड पे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है जाते हुए। तो ये क्रो आइलैंड पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। आइलैंड में आपको दिखा देता हूँ एक बार सामने, और आई थिंक वहाँ पे एनडीआरएफ वगैरह की भी टीम है। ये देखिए सामने हमारे आइलैंड है। सो इधर 2-5 मिनट जो भी है होल्ड होगा, होल्ड के बाद हम रिटर्न जाएंगे और बॉर्डर तक हम होके आएंगे बांग्लादेश के, जो कि हमारी बात हुई है इनसे। सो ये कुछ आइलैंड है, अभी चलते हैं उधर सामने, उधर जाके राम भाई थोड़ा स्विम करेंगे, नहाएंगे और हम जगह का एंजॉय करेंगे, व्यू का मजा लेंगे आपके साथ। तो फाइनली आ गया दोस्तों इधर, बोट रुक चुका है और अभी लाइफ जैकेट वगैरह उतारते हैं और इधर घूमते हैं आइसलैंड को। थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, बट यहीं पे फोटो वगैरह करेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद यहाँ से राम भाई अभी नहा रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे। राम भाई घुस गए अंदर स्विमिंग के लिए, बोल रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा, उधर पानी ज़्यादा गंदा है अगर मैं बात करूँ तो। इधर का पानी साफ़ है फिर भी आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए उधर पानी साफ़ है, उधर मिट्टी का पानी है क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से देवकी का पानी साफ नहीं है। अदरवाइज ये क्लीनेस्ट रिवर है अपनी एशिया में से एक, और काफ़ी क्लीन पानी है इसका। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे फोटोज़ वीडियो इसके शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको पता लग ही गया होगा कि रिवर कैसी है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये रिवर रेन सीजन में, बारिश के सीजन में आपको कैसी नज़र आएगी। तो एक्चुअल में आप देख चुके, ये देखिए भाव बढ़ गया है क्योंकि ऊपर पानी बारिश हो रखी है, तो उसकी वजह से पानी ज़्यादा गंदा होता हुआ मटमैला होता हुआ जा रहा है। लेकिन इधर आप चेक करेंगे तो थोड़ा पानी के कलर में डिफरेंस है, यहाँ थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा पानी है, तो वो पानी थोड़ा साफ है। बाकी वोटिंग प्राइस मैंने आपको बताया, इनका नंबर भी मैं प्रोवाइड करूँगा, आप बार्गेनिंग करेंगे तो ये 500 में कर देंगे, अदरवाइज उसी का चार्ज ये 800-1200 रुपये लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बहुत है, आप किसी से भी कन्फर्म कर सकते हैं, अगर एक 1200 बता रहा है तो आप उसको छोड़ के अगले से कन्फर्म करें,
तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल जाएगा। हमने थोड़ा सुबह स्टार्ट किया है, 7:30 बजे हम पहुंच चुके थे यहाँ पे, तो जैसे जैसे कंफर्म किया तो पता लगा 500 में एग्री हो गया बंदा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि वहाँ पे हम एक लड़का जो था बोटमैन, वो हमें जो प्राइस बता रहा था वो 800 रुपये बता रहा था, बोल रहा था गवर्नमेंट प्राइस है, लेकिन अभी हमारा 500 में हो गया, तो कहीं ना कहीं सेविंग है। वो अगर 2% की बात कर रहे हैं तो 250 रुपये पर बंदा आएगा, जो कि वोटिंग के लिए 1 घंटे के लिए तो इनफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से व्यू है, वेदर है यार, वर्थ इट है ये चीज़ें। सो अभी बस हमें उस साइड से वोट करते हुए हमें आगे जाना है, और हमें जाना है ये बांग्लादेश बॉर्डर तक। मैं एक्चुअली एक्साइटेड, तो मैं बांग्लादेश बॉर्डर को लेके हूँ, और कल भी हमने बॉर्डर देखा था तो काफ़ी मज़ा किया। बॉर्डर के पास हमने कुछ पिक्चरें क्लिक करवाई थी, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, तो आज भी वही करेंगे, हम बॉर्डर के पास जाएंगे और देखते हैं कैसा वहाँ का माहौल है, कहाँ से बांग्लादेश हमें क्लियर नज़र आ रहा है चीज़ें। सो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है solojourney07 और मेरा फेसबुक आईडी है solojourney। सो गाइज मिलते हैं आगे। फाइनली वोटिंग स्टार्ट हो गई है भाइयों, अभी चलते हैं और आगे की तरफ। 15-20 मिनट हमने टाइम स्पेंड कर लिया यहाँ पे, और इधर से देखिए भाव कितना जोर तेज आ रहा हुआ है। इधर भी गहरा होगा भाई यहाँ पे, है ना? मछली कैसा है, बड़ा है इसमें छोटा मछली? बड़ा भी है। सो ये देखिए व्यू, वाह। दो की रिवर दोस्तों, और पीछे ब्रिज, ये देखिए ये हमारा भाई दोस्त। तेरा ए भाई मोबाइल नंबर क्या है तेरा, अगर कोई फोन करके आएगा तो क्या है? 8974 843 902। और भाई का नाम क्या है? बाना, बाना नाम है भाई का, और इस पे कॉल करके आप और डायरेक्टली बोट बुक कर सकते हैं, तो ये बढ़िया प्राइस लगाएगा भाई, और काफी अच्छे से घुमा रहा है, चीजें भी बता रहा है। वो हमारा सामने स्टार्टिंग पॉइंट था, और अभी जा रहे हैं हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं अभी हम। ओके उधर रुकेगा नहीं बॉर्डर पे, 2 मिनट फिर रोकता तो है शायद उधर। उधर मैं अभी जगह नहीं, तो पहले तो विंटर में तो बहुत पत्थर हुआ ना। अच्छा अच्छा, अभी पानी भरा पड़ा है? भर गया पानी। अच्छा अच्छा, तो भाई बता रहे अभी उधर पानी भर गया, पहले विंटर में था तो पत्थर होते थे, पानी कम होता था, तो वहाँ पे बोट को रोक लिया करते, बट अभी नहीं रोक पाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन बनता है। पे अभी है क्या है? अच्छा BSF कैंप है। तो ये भाई बता रहे जो ये अपने हमारे सामने पहाड़ है, ये लास्ट इंडिया का पहाड़ है, और सामने जो आपको नजर आ रहा है वो बांग्लादेश है। कौन सा? अच्छा वो सामने पूरा बांग्लादेश में ना, और ये नदी है, ये डिवाइड करती है इंडिया और बांग्लादेश को, तो ये अपना इंडिया का पहाड़ है, और वो सामने भी आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है, और जो वो पहाड़ है सामने जो नजर आ रहा है वो भी बांग्लादेश है। ये नदी इंडिया और बांग्लादेश को डिवाइड करती है। ये अपना ये BSF का सिक्योरिटी बॉर्डर है, इससे उधर हम नहीं जा सकते, उस तरफ, इस तरफ ही हम सिर्फ रह सकते हैं, क्योंकि 0 पॉइंट में भी जाना अलाउड नहीं है हमें, बट यही एक बार देखना था, एक्सपीरियंस करना था इसी चीज का। सो लेट्स गो, अब इधर से चलते हैं और आगे मिलते हैं आपसे दोबारा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अरे यार वैसे नहीं होता, लेकिन
पानी अगर थोड़ा भर गया तो बंद। अच्छा पानी ज्यादा होने पे बंद हो जाता है, बारिश ज्यादा होगी और पानी बढ़ गया तो बंद कर देंगे वोटिंग। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है आपको? बीएसएफ वाले बोलते हैं कि अभी वोटिंग नहीं करना या खुद नहीं कर दे? खुद को पता लग जाता है। वैसे वोट वगैरह डूबा भी है इधर? अभी नहीं डूबा ना, चलो अच्छा बात है। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वापस, और ये एक और वीडियो समाप्त होने की कगार पे है। ये एक्सपीरियंस मुझे आपको कराना था, और इवन तो खुद भी करना था मुझे एक्सपीरियंस। अगर मैं पानी की बात करूँ तो वैसे पानी साफ है आप देखिए, लेकिन अभी बारिश है तो उस वजह से वो नीचे का है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे मिट्टी आ चुकी है। और अगर यही आप अक्टूबर नवंबर के टाइम अगर आप आते हैं तो आपको एकदम क्लीनेस्ट वाटर मिलेगा यहाँ पे। इवन दो नीचे स्टोन्स जो पत्थर्स होते हैं वो भी सब आपको क्लियर नज़र आएगी, इतना क्रिस्टल और क्लियर वाटर है। और कम से कम 20-30 फुट गहरे पानी में सब कुछ आपको क्लियर नज़र आता है यहाँ पे। बट अभी रेनी सीजन मैंने डिसाइड किया था ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि रेन सीजन में फॉरेस्ट बहुत ही सुंदर हो जाता है मेघालय का। और जहाँ पे आप इन नॉर्मल डेज में आप एक किसी पर्टिकुलर जगह पे 8-10 वाटरफॉल देखेंगे, तो रेनी सीजन में वहीं आप 30-40 वाटरफॉल देख सकते हैं। तो मेन पर्पज़ तो मेरा यही था मेघालय का रेन वाले सीज़न में आने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो राम भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस राइड का, वोटिंग का? देखा था कि यार ये रिवर बहुत ज़्यादा क्लीन है, हाँ, बट बारिश की वजह से सारा पानी एकदम मिट्टी हो गया, हाँ, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। और एक्सपीरियंस बोल के एवरेज है बट नॉट बैड। अच्छा, तो भाई का एक्सपीरियंस एवरेज रहा है, रीज़न ये है कि बस पानी क्लियर नहीं है। मुझे तो पता था इवन कि पानी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं रेनी सीजन में कोई चीज़ कर रहा हूँ। ये देखिए वाटरफॉल की बात कर रहे थे, और एक और वाटरफॉल हमारे सामने, तो ऐसे पता नहीं हजारों लाखों वाटरफॉल आपको मेघालय में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया और मैंने इन्जॉय भी किया इस राइड को। और अभी हमारे वोटिंग का टाइम है वो फिनिश हो चुका है। 1 घंटे का ट्रिप था, 1 घंटे की जो इन्होंने हमें वोटिंग राइड दी थी वो दी थी 500 इंडियन रुपीज़ में। जो नंबर मैंने आपको बता दिया, भाई का नाम मैंने बता दिया, आप डायरेक्टली कॉल करके इनको जब भी आप डव की आते हैं तो आप इनको बुक कर सकते हैं और ट्रिप का एंजॉय कर सकते हैं, दैट्स इट। सो बस पहुंच गए हम, तो फाइनली राइड कंप्लीट हो चुकी है, अभी चलते हैं यहाँ से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है सोलो जर्नी, जहाँ पे आप मेरे लेटेस्ट अपडेट फोटो और वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डालता, और मेरे करंट ट्रैवल प्लान मैं कहाँ कर रहा हूँ और क्या नहीं, लेटेस्ट फ़ोटो। सो मेरा इंस्टा आईडी सोलो जर्नी 07 और फेसबुक आईडी है सोलो जर्नी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा इस वीडियो को। बाय गाइस। कहाँ से चचा? बांग्लादेश से? नहीं ना, हमारा तो अच्छा अच्छा पासपोर्ट कहाँ फिर आपका? नहीं हमारा तो नहीं है, हम तो बांग्लादेश पढ़ते आए, तो ऐसे ही घूमते आ गए इधर। इंडियन इमिग्रेशन, अगर आप कोई भी बॉर्डर क्रॉस के लिए आते हैं, यानी कि आपको बाई लैंड इंडिया से बांग्लादेश जाना है, तो पहले इंडिया से उधर एक बस में बैठना होगा, और वो बस आपको उधर लेके जाएगी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे, उधर इमिग्रेशन क्लियर होगा, उसके बाद उधर से आपकी एंट्री होगी और इधर बांग्लादेश में आपकी एंट्री होगी और